La da 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 Yeah.
Sing as I sing. That's loud and clear. That's your bag. Okay. 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 Bhaja Hore Mana Shri Nanda Nandana Abhaya Charana Ravinda Re Bhaja Hore Mana Shri Nanda Nandana Abhaya Charana Ravinda Re Bhaja Hore Mana Shri Nanda Nandana Abhaya Charana Ravinda Re Bhaja Hore Mana Shri Nanda Nandana Abhaya Charana Ravinda Re Durlabha Madhava Jana Jala, jala, jala.
Thank you.
Una luce tecnica, come vedi un po' San Buffia. San Buffia. La prima volta. La prima volta. Su charla trabando man su carrera no contará su charla Namah Shivaya.
Thank you.
Hare Krishna.
Nararamdaman ko, nilikha dati ka sa any part. भजन है राधा कृष्ण बोल बोल इसमें निकाल तो है हमारे इसमें है राधा कृष्ण बोल बोल हरे कृष्ण राधा कृष्ण बोल 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 रे सवा निकाल है ना है राधा कृष्ण बोल 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 रे सबाई राधा कृष्ण बोल 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 रे सबाई राधा कृष्ण बोल 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 रे सबाई राधा कृष्ण बोल बोल रे सबाई ऐ पिछा दिया सब ना दिया फिर से गौर निताई दिखा दिया सब ना दिया फिर से गौर मिटाए सिखा दिया सब ना दिया फिर से नेते गौर मिटाए सिखा दिया सब ना दिया फिर से नेते गौर हरी बोल बोल रे सिखा दिया हरी बोल बोल रे सिखा दिया ए सिखा दिया सब न दिया फिर से नेते गौर निताए सिखा दिया फिर से नेते गौर निताए राधा कृष्ण बोल 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 रे सबाई राधा कृष्ण बोल बोल पीछे माया बसे जा सभे से खाचाबो दो गो भाई पीछे माया बसे हरि बोल बोल के ना माया बसे हरि बोल बोल के ना माया बसे इतने माया बसे राधा कृष्ण बोल कृष्णदार हे विश्वास करिए सवार दुख नहीं जी कृष्णदार हे विश्वास करिए कृष्णदार हे विश्वास करिए सवार दुख नहीं जी कृष्णदार हे विश्वास करिए सवार हरि बोल बोल रे कृष्णदास हरि बोल
Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Radhe.
Radhe Krishna Govinda Gopal Nanda Dulal Jai Yashoda Dulal Jaya Jaya Deva Hare Radhe Krishna Govinda Gopal Nanda Dulal Jai Yashoda Dulal Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jagannatha Hare Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jagannatha Hare Ashrita Kamala Putra Mandala Dhruta Kundalini Shrita Kamala Putra Mandala Dhruta Kundalini Kalita Lalita Vainamala Kalita Lalita Vainamala Kalita Lalita Vainamala Kalita Lalita Vainamala Jaya Jaya Deva Hare Kalita Lalita Vainamala ये जगन्नाथ जी का भजन है और जगन्नाथ जी का सबसे प्रिय भजन ये भजन है और ये भजन का एक नाम है मंगल गीत। मंगल गीत मतलब क्या? जैसे कोई भी अच्छा काम करो, घर में कोई शुभ काम करो, कोई भी शुभ काम करने से पहले अगर ये भजन को गा करके कोई भी शुभ काम करो वो जरूर हो जाए, वो होगा ही वो काम। इसलिए गुरुदेव कोई भी अच्छा काम जब मंदिर में होता था, कोई शुभ काम होता था, गुरुदेव सबसे पहले गुरुदेव ये भजन को गवाया करते हैं। गुरुदेव ये भजन को स्टार्ट करके गुरुदेव फिर कोई काम करते थे। इसलिए आप लोग भी घर में अगर कोई शुभ काम हो, तुम्हारी कोई अच्छे कोई बिजनेस कर रहे हो, हाँ कोई अच्छा कोई यात्रा कर रहे हो, कोई अच्छे कोई घर में कोई भी शुभ काम करते हो, हाँ अगर ये भजन को गा करके अगर कोई भी अच्छा काम करोगे वो काम जरूर तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए गुरु जी की ये भजन गुरु जी की बहुत ही प्रिय भजन था। गुरुदेव हर समय जब कोई भी काम करा करते थे गुरुदेव ये भजन को, गुरुदेव सबसे पहले गुरुदेव ये भजन को गवाया करते थे और तभी गुरुदेव ये काम करते थे। इसलिए आप भी घर में कोई भी काम करो, घर में पहले क्या करो ये भजन को पहले गाओ और देखना कोई भी काम करो, कोई किसी चीज में किसी मिट्टी में भी हाथ लगाओ ना वो मिट्टी तुम्हारी स्वर्ण बन जाएगी। इसलिए गुरु जी की ये बहुत बहुत गुरुदेव की बहुत बहुत प्रिय भजन है गुरुदेव की, क्योंकि गुरुदेव कौन है? गुरुदेव श्री राधा रानी की प्रिय एक सखी गुरुदेव है। कहते गुरुदेव के गुरुदेव राधा रानी की प्रिय सखी कौन? बोले श्री रमण मंजरी। इसलिए गुरुदेव उनका नित्य सिद्ध स्वरूप श्री रमण मंजरी है। इसलिए गुरुदेव का ये भजन बड़ा प्रिय था। बोले श्री गुरुदेव की। इसलिए ये भजन क्यों इतना प्रिय है, जगन्नाथ जी को इतना प्रिय क्यों? हम पहले बहुत कथा सुना है, जगन्नाथ जी का जो कपड़ा है ना, जैसे हम जैसे आप लोग शरीर में अपना चुनरी गोड़े हो, कपड़े गोड़े हो, जब तक ये भजन कपड़े में नहीं लिखा हुआ होगा जगन्नाथ जी वो कपड़े नहीं ओढ़ेंगे। उसी कपड़े को ठाकुर जी ओढ़ेंगे जिस कपड़े के ऊपर में श्री ये भजन लिखा हुआ होगा है। और जगन्नाथ जी को जो माला पहनाया जाता है
एक एक तुलसी पत्ते के ऊपर में एक एक श्लोक को एक एक श्लोक भी लिखते हैं, लिख करके जगन्नाथ जी गले में वो माला पहनाते, तब जगन्नाथ जी माला पहनते। जगन्नाथ जब सोते हैं, जगन्नाथ जब सोते हैं ये भजन लिखा हुआ नहीं चाहिए। जब तक ही जगन्नाथ जी भजन नहीं सुनेंगे जगन्नाथ जी को नींद नहीं आती है। इसलिए पुरी में एक होती है देवदासी, बोले देवदासी कौन है, बोले जो लड़की जिंदगी भर शादी नहीं करेगी जिंदगी भर वो शादी नहीं करेगी और वो मानेगी जगन्नाथ हमारे प्रियतम है, जगन्नाथ हमारा पति और हम उनकी सखी है। इसलिए जो आजीवन ऐसे ब्रह्मचारिणी बन करके रहेगी उनको कहते हैं ये देवदासी है। जब तक ये देवदासी जगन्नाथ जब सोते हैं जगन्नाथ जी, जब तक जगन्नाथ जी ये भजन नहीं सुनेंगे जगन्नाथ जी नींद नहीं आएगी, जगन्नाथ जी सोते नहीं। इसलिए ये भजन को सुन करके फिर जगन्नाथ जी सोते हैं जगन्नाथ जी की है। इसलिए एक समय कोई एक देवदासी थी है? एक समय बैगन तोड़ रही थी और बैगन तोड़ते तोड़ते ये भजन गा रही थी, जय जय देव बहरे जय जगन्नाथ हरे, ये भजन गा रही और बैगन तोड़ रही थी। और ये भजन कहीं भी अगर ये भजन गाया जाए ना कृष्ण रह नहीं सकते, उनको दौड़ दौड़ कर तो वहां जाना पड़ता है। कोई भी ये भजन कहीं गाओगे ठाकुर रह नहीं सकते, भागते भागते वहां पर पहुंचेंगे। अभी जगन्नाथ जी को शयन दिया पुजारी, बड़े सुंदर नया कपड़ा पहनाया, शयन दिया। जब ये गा रहे थे ये भजन को देवदासी, इतने में ठाकुर जी जगन्नाथ जी तो मंदिर छोड़ कर भाग गए और उसको पीछे 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 चल रही और ये भजन सुन रही और बैगन तोड़ रही थी। बैगन पेड़ में कांटा होता है, जगन्नाथ जी को नया वस्त्र पीताम्बर जगन्नाथ जी को पहनाया। अभी जगन्नाथ जी पीछे पीछे भागते भागते ना उनको पीताम्बर में कांटा लग करके उनका पीताम्बर सब इधर उधर हो गया, फट गया और जगन्नाथ जी के हाथों में सब दाग आ गया, कांटा का पेड़ था ना, दाग आ गया। जब ये भजन समाप्त हो गया जगन्नाथ जी चुपचाप आए और सो गए। सवेरे पुजारी आया मंदिर खोला, जब जगन्नाथ जी के मंदिर खोला देखा ठाकुर जी की शरीर में जो नया कपड़ा पहनाया था ना वो नए कपड़े सब फटा हुआ है, सारे पीताम्बर फटी हुई और ठाकुर जी के शरीर में सब कांटा की दाग है। पुजारी सोचा ठाकुर जी का हमने नया वस्त्र धारण कराया और ये कैसे हो गया, जानता है ठाकुर तरह तरह का लीला करते हैं। फिर उन्होंने राजा को बुलाया, बोले महाराज ठाकुर जी का हमने नया वस्त्र धारण कराया, देखो कैसे सब खरे कपड़ा कैसे फटे हुए। राजा को पता ठाकुर जी नए नए लीला करते हैं, ठाकुर जी सीधा ठाकुर जी राजा ठाकुर जी के चरण में लेट गए। बोले ठाकुर जी ये क्या स्थिति है, बोले कोई चिंता मत करो मैं बहुत खुश हूँ। बोले क्यों, बोले मेरी एक देवदासी वो भजन गा रही थी और ये जय जय देव हर भजन गा रही थी, उसमें राधा रानी की महिमा है और जहां से राधा रानी का नाम हो फिर तो मैं वहां रह नहीं सकता, फिर तो मैं भाग भाग करके मेरे को जाना पड़ता है, इसलिए कोई चिंता मत करो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ है। फिर राजा पूरा उड़ीसा में उन्होंने प्रचार किया, बोले खबरदार ये भजन को जहां तहां ये भजन को मत गा। बोले कहां पर ये भजन को गाया करोगे, बोले जहां पर श्री जगन्नाथ जी की ठाकुर हुई, ठाकुर जगन्नाथ जी का ठाकुर हो वहीं पर गाओ और जहां पर भगवान कृष्ण होंगे वहीं पर गाओ। बोले क्यों, बोले नहीं तो ठाकुर जी को दौड़ दौड़ कर भागना पड़ता है, ठाकुर जी का कष्ट होगा है, इसलिए यहाँ पर तो ठाकुर नहीं फलू। ठाकुर जी राधा कृष्ण बैठे महाप्रभु नित्यानंद यहाँ पर बैठे हैं, ठाकुर को भागना नहीं पड़ेगा, ठाकुर मंदिर में बैठे हैं, ठाकुर जी को यहाँ से कहीं भागना नहीं पड़ेगा ठाकुर जी को। इसलिए गुरुदेव का ये भजन बहुत ही प्यारा भजन था गुरुदेव का है, इसलिए गुरुदेव बहुत प्यार करते थे भजन को, हर समय सुबह शाम में हर समय भजन गाते थे। इसलिए आप लोग भी घर में कोई भी अच्छा काम कोई करते हो है, अच्छे काम करने से पहले कहीं यात्रा कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कोई नया बिजनेस खोल रहे हो है, इसलिए क्या करो ये भजन को खोलो, खोल कर भजन करो।
भजन पढ़ करके फिर ठाकुर जी के नाम को लेकर के जाओ, देखना वो काम तुम्हारी बढ़िया हो जाएगा, एकदम काम तुम्हारी सक्सेसफुल हो जाएगी है। बोले देखो ये भजन में पहला भजन में क्या लिखा हुआ, बोले श्रित कमला कुछ मंडल ध्रुत कुंडल कालिता ललिता भनमाल जय जय दे हरे। देखो क्या लिखा हुआ, कहते जगन्नाथ जी का जो ड्रेस है ना, ठाकुर जो ड्रेस पहने हैं वो ड्रेस किसको सूचित करता है, राधा रानी। और राधा रानी जो ड्रेस पहनती है वो किसको सूचित करता है, किसको लखे करता है, कृष्ण को। जगन्नाथ जी कौन सा ड्रेस पहने हैं, कौन सा रंग के पीतांबर पहने हैं, पीले रंग के। बोले पीले रंग के क्यों पहने, कारण क्या, बोले कारण है राधा रानी का जो अंग तांति है ना वो पीला रंग है, तब तक कांचन गौरी, इसलिए कृष्ण शरीर में पीले वस्त्र धारण करते हैं। बोले जगन्नाथ जी वो कान में जो कुंडल है वो किस चीज की कुंडल है, वो जैसे तैसे कुंडल नहीं, केवल उनके कान में केवल राधा रानी की कथा को छोड़ करके उनको कान में और कोई बात ही नहीं प्रवेश करता है, प्रवेश करता तो केवल राधा रानी की महिमा, राधा रानी की कथा। राधा रानी जो कुंडल पहनती है वो ऐसे कुंडल नहीं, केवल कृष्ण की ही कथा राधा रानी सुनती है, कृष्ण कथा राधा और राधा कथा कृष्ण सुनती है। जगन्नाथ जी जो गले में माला पहनते हैं, बोले किस चीज की माला ठाकुर जी पहनते हैं, वो ऐसी तैसे माला नहीं पहनते, जो माला को राधा रानी अपना प्रेम से भक्ति से, जो राधा रानी जो माला को स्वयं अपना हाथों से राधा रानी ने बनाई वही माला को श्री जगन्नाथ जी कृष्ण उसी माला को पहनते हैं। बोले कलित ललित बनमाला, जो बनमाला है बड़ा प्रेम की माला, उसको ठाकुर जी धारण करते हैं है? इसलिए जगन्नाथ जी को ये भजन बड़ा प्यारा ये भजन है, ठीक है। अभी जगन्नाथ जी अनवसर, ठाकुर जी भी सो रहे हैं, सो नहीं रहे, बुखार में पड़े हुए ठाकुर जी, अभी ठाकुर जी दवा खा रहे हैं, ठाकुर जी खाना नहीं खा रहे हैं क्योंकि 15 दिन के बाद में जगन्नाथ जी रथ यात्रा में जाएंगे, इसलिए जगन्नाथ जी अपना बुखार की बहाना बना के ना राशि लक्ष्मी को मना रहे हैं, कहते भैया हमें ब्रज जाऊंगा, मेरे को 2-3 दिन के लिए ब्रज को छोड़ दो, मैं ब्रज में से राधा रानी गोपी सखाओं से मिलना चाहता हूँ, मेरे को कुछ दिन के लिए मेरे को छोड़ो। इसलिए जगन्नाथ जी एकांत में लक्ष्मी को मना रहे हैं, मेरे को थोड़ा आदेश दे दो, वृंदावन जाऊंगा, अभी जगन्नाथ जी बुखार में पड़े, ठीक है ना। बोले जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, बोलो बोलो जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। राधा कृष्ण गोविंद गोपाल नंद दुलाल, जय यशोदा दुलाल, जय जय देव हरे। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंद दुलाल, जय यशोदा दुलाल, जय जय देव हरे। श्रित कमलाकुच मंडल ध्रुत कुंडल, श्रित कमलाकुच मंडल ध्रुत कुंडल, कालिता ललिता वनमाला, कालिता ललिता वनमाला, जय जय देव हरे। कालिता ललिता वनमाला, जय जय देव हरे।
dinamani mandala mandala bhava kandane dinamani mandala mandala bhava Amuni jana manasa harta Amuni jana manasa harta Ajaya jaya deva hari Amuni jana manasa harta Kali abhita dhara ganjana jana ranjana Kali abhita dhara ganjana jana ranjana Jadukula nai nadine sa Jadu kula nari nari nesha Ajaya jaya deva hari Jadu kula nari nari nesha Jaya jaya deva hari Amadu mora narata vinata Garuda sanai Madhu mohra naraka vina Sura kula ke lindana Sura kula ke lindana Jaya jaya deva hari Dura dura Jaya jaya deva hari Amala kamala dala lochana Bhava mocha nahi Amala kamala dala lochana Bhava mocha nahi Tribhuvana bhavana nidhana Tribhuvana bhavana nidhana Jaya jaya deva hari Tribhuvana bhavana nidhana Jaya jaya deva hari Janakatuta krita bhuchana Jita dhuchana he Janakatuta krita bhuchana Jita dhuchana he Srimukha Chandra Chakora Srimukha Chandra Chakora Radha Mukha Chandra Chakora Radha Mukha Chandra Chakora Jaya Jaya Deva Hari Radha Mukha Chandra Chakora Radha Mukha Chandra Chakora Atava Charani Pranatavaya Niti Bhavaya Dehe Tava Charani Pranatavaya Niti Bhavaya Dehe Kuru Kukaran Pranatetu Jaya Jaya Deva Hari Kuru Kukaran Pranatetu Sri Jaya Deva Kaveda Kurute Moda Sri Jaya Deva Kaveda Kurute Moda
Jaya Jaya Deva Hare Mangala Mangala Jai Jai Radhe Krishna Govinda Gopala Nanda Dulala Yashoda Dulala Jaya Jaya Deva Hare Radhe Krishna Govinda Gopala Nanda Dulala Yashoda Dulala Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Govinda Govinda Hare Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari 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 Bol Hari 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 Bol Hari Bol Hari Bol Hari 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 Thank you.
First of all, I would like to offer my unlimited dandavat pranam and to my param arachita madhiksha gurudev nitala krishna krishnapad astotra satasri simat bhakti vidanta narayana swamaraj. I also would like to offer my unlimited dandavat pranam to my param arachita madhiksha gurudev nitala krishna krishnapad astotra satasri simat gauru vemi swamaraj. I also want to offer my unlimited dandavat pranam and to my rupanu guru varga and guru parampara. And I would like to offer my unlimited dandavat pranam unto Sripad Bhakti Granth Sridhar Maharaj, my unlimited dandavat pranam unto all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, and also my unlimited dandavat pranam unto all the assembled guests. So today we have assembled on this very auspicious day to hear some Harikatha from our very senior Vaishnav Sannyasi, Pujyapad Sripad Bhaktivedanta Sridhar Maharaj. He has requested me to say some few words, so I'll try to explain why it's so important to be in the association of Vaishnavas. Because sometimes we see that, for instance, nowadays we can hear Harikatha by streaming, isn't it? Cassettes, videos, YouTube, so many things. But you should know that there is some difference between hearing directly from the sadhu and hearing through this streaming, through this media, different forms of media. One time I wrote a letter to Sri Srinath Gaurgovinda Maharaj, and I asked him, can I get any benefit from hearing tapes, recordings, watching the video recording from the sadhu? And Maharaj wrote back to me. He said, these forms of spiritual transmission should be viewed as such that when you hear them, it should inspire one to go and hear personally from the sadhu. You see, because when you're in the presence of a sadhu,
there's many types of service to be done. And you can and at the same time you can get his merciful glance, which is very important. I'll give you an example, a very nice example of why it's very important to get the personal association. And one time when all the disciples of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur were all still on the planet, one of the disciples, he invited all his godbrothers, they're all disciples of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, to come and honor Prasad. So when they all the Vaishnavas came, but they were the Prasad was actually served in three various sections, three separate sections. There was a Prasad only for the senior devotees, that means for the disciples of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, all the godbrothers could take together. And there was again the regular prasad for the devotees in other two sections. So the most senior sannyasi was put at the head of everyone and he was served. We have seen it personally also that when we would take to prasad together with our Gurudev, he would sit at the head of the line and then the other sannyasis, and he would be served first. I've seen this in our Kesavji Gaudiamat in India. So here we see all the sannyasis had assembled, and one sannyasi whose name was Parampujapad Sila Giri Goswami Maharaj. He was the most senior Vaishnava sannyasi, and he was put at the head, and all the godbrothers were around and they were all served. Leaf plates were put in front. You know, you have seen it before, leaf plates, you put different forms. So Maharaj was there, and all the sannyasis were there, and all were taking prasad. And as they were taking prasad, as soon as one sannyasi was finished, she would say, "Nita Gaur Hari Bol," and then stand up. And slowly, all of the sannyasis took, but the most senior sannyasi, Parampujapad Srila Giri Goswami Maharaj, he stayed there. As soon as all of them had gone, he was taking prasad. And the servant was watching, who was serving all the Vaishnavas, all the sannyasis. As soon as all of the last person had gone, had left the assembly, had taken prasad, they said, "Nitai Gaur Hari Bol," last person had left. Then all of a sudden, he saw that that most senior Vaishnav started taking the remnants from each plate and honoring that. And he was amazed. He said, "What is this? He's the most senior sannyasi and he's taking remnants from everyone." So he went, the servant saw this, he went to inform his own Gurudev, "Guruji, your sannyasi godbrother, he's taking the remnants, which is from all the junior sannyasi." Oh, so his Gurudev went inside, and to his amazement, he sat down with them and also started taking the remnants from all the sannyasis, which completely amazed him. What is this? Because he taught before, and I've heard this also from Srila Gurugovinda Maharaj. He personally told me this pastime. One time, one of the devotees gave the remnants of his godbrother to him. He was a sannyasi from Western background, and he had fallen from his sannyas ashram. But at that time, he was a sannyasi, and he had given his remnants, the devotees had given his remnants to Srila Gurugovinda Maharaj. And Srila Gurugovinda Maharaj said, as soon as he taken that remnants, immediately he felt that his consciousness had been polluted. So therefore he warned us that you should consider whether someone is very elevated or not so elevated. You should make this distinction. He had warned us ourselves. So this devotee, this servant, he also, when an opportune moment came, not directly, afterwards, he asked, "Maharaj, I have a question. Should you consider whether somebody is elevated or not? Should this distinction be made if you want to see what qualification of that particular Vaishnava is and then take the remnants of that Vaishnava?" That senior sannyasi answered, Parampujapad Srila Giri Goswami Maharaj answered, he said, "That I cannot say.
Because we have seen that by honoring the remnants of Vaishnavas, one acquires the mood of those Vaishnavas. For this reason, we take those remnants. And we have seen that Kalidas, one of the associates of Mahaprabhu, he never made this distinction whether a person was fallen or not. He would go and take the remnants of all the Vaishnavas, and the result of that is that he attained the association of Mahaprabhu. And Mahaprabhu let him also drink, isn't it? His food was water. We see that in Chaitanya Charitamrita. Another point is that in the Bhagavatam we see that Narad Rishi also took the remnants from when he was before he became a Dasiputra. He was also taking the remnants of the sadhus. And in the Bhagavatam it's specifically mentioned that he did not differentiate whether one was Uttam or Adam. He took that is very, it is mentioned in the Bhagavatam itself. And there's another point, is that we know that anyone who has been accepted, like Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, accepted those disciples as his disciples, and he accepted them, so therefore they are certified Vaishnavas, and they are worshipable because they are servants of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. So it's for this reason, they are the servants of my Guruji, and for this reason, I am also taking their remnants. This is the answer that elevated Param Pujyapada Giri Goswami Maharaj said. So we see this pastime is very clear. This is very deep pastime, because it's here it's explained. He says one very nice point is that by honoring the remnants of the sadhu, you acquire the mood of the sadhu. So we should know that there are two kinds of remnants. There's the remnants which come, which is touched. Yeah? The first remnant is the remnants. Yeah? It said, Bhakta Pada Duli, Bhakta Pada Ja, Bhakta Bhukta Vashes, 18 Mahapara. Said in Chaitanya Charitamrita, this path is slow. That Bhakta Pada Duli, Bhakta Bhukta Vashes is two kinds. There are two kinds of remnants. The one, if the prasad which has been touched by the lips of a Mahabhagavata becomes Mahamaha, that's one remnant. The other remnant is the lips which the sound vibration, the transcendental Harikatha, which is reproduced by his lips, which have been the sound vibration, the transcendental sound vibration coming from his lips, that is also a remnant. That is what also Bhakta Bhukta Vishesh. So by hearing that, by honoring that remnant, one will acquire also the mood of the sadhu. And we know that different sadhus, because I'm going to make the link with Jagannath, the pastimes of Jagannath. We know that there are many, many, many sadhus, but there's some vaishishya in the mood of our Gurudev, and there's some vaishishya in the mood of Srila Gaurgovinda Maharaj. What is that vaishishya? What is that speciality? You should know that Srila Gaurgovinda Maharaj, if anyone who has read that Embankment of Separation, will see very deep harikatha there, and very, very nicely he explains the glories of Jagannath. If you go very deeply into that book, Embankment of Separation, you will see those very, very, a lot of pastimes which are not mentioned in scripture are actually, they are manifested in that book. So Gurudev, when he was reading that book, he saw, he had realized whatever was there in that book, he had also realized this. And then he said, this Srila Gaurgovinda Maharaj and me, they are one in mood. They're one in mood. So whenever you see this, read these books, the book of Gurudev, Ratha Yatra, and Embankment of Separation, you get a very clear idea of the glories of Lord Jagannath.
all the deep tattvas, all the deep siddhantas are very elaborately described, which you will not find in scriptures. They're all deep, what you say, whatever they have realized within their heart, all deep confidential secrets, they have manifested that. So by reading these and hearing from the sadhus who've also been for many years under the guidance of Gurudev, like Pujipad Sridhar Maharaj or Pujipad Van Maharaj or Pujipad Madhav Maharaj, they have also this Vaishishya. That means they have captured this mood of Gurudev and they are also transferring this mood to all the new generations which are coming in our line. So this is the speciality of this mood of Gurudev. So therefore, it is we are very fortunate, and I consider myself very fortunate that I could actually associate with those two great sadhus, Rasik Vaishnavas, Srila Gaur Govinda Swami Maharaj, and Srila Bhaktivedanta Narayan Swami Maharaj, and get this remnants from them, this very special remnants, so that we are able to acquire this special mood. So therefore, it's very important to get association and hear the transcendental katha from the sadhus personally. Why? Because one can, like this, and that is the way also to acquire that mood. Go Premanande, ओम ज्ञानं ब्रह्मस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै हैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः अजानुलम्बितभुजौ कनकाभदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बोलो हरे कृष्ण आज हम लोगों का बहुत अच्छा दिन है। अभी प्रभु जी साधु संग की महिमा बता रहे थे, इसलिए भगवान कपिल देव को उनको माता देवती ने जब प्रश्न की, बोले बेटा मैं स्त्री जाती हूँ, मेरा मन बड़ा चंचल है, इसलिए इधर उधर भागता रहता है मेरा मन, इसलिए मेरा कल्याण कैसे होगा। जब उन्होंने प्रश्न की, भगवान केवल एक ही बात भगवान ने बताए, भगवान ये नहीं बताए मेरा संग करो। भगवान कहते हैं, बोले माँ अगर ये संसार समुद्र से पार होना चाहते हो केवल एक ही उपाय है, बोले वो क्या है, बोले केवल मेरे भक्तों का संग, कहते केवल मेरा भक्तों का ही संग करो, उसी से ही जीव का परम कल्याण होगा और किसी को दरा जीव का कोई कल्याण होने वाले नहीं। तब भगवान स्वयं साधु संघ की महिमा एक श्लोक को द्वारा साधु संघ की महिमा बताते हैं। बले सतान प्रसंगात मम वीर्य संविदौ भवन्ति हितकर नरसायन कथा ताज्वसन आसु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिषति। हम कहते हैं ना, हर साधु संघ से क्या मिलता है, साधु संघ से क्या मिलता है, हर शास्त्र कहता है साधु संघ करो साधु संघ करो। तो यहाँ पर ठाकुर जी स्वयं अपना भक्त संघ का महिमा बताते, बोले मैया
ये श्लोक में जो एक एक शब्द है श्रील विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर एक एक शब्दों को बढ़िया बढ़िया अर्थ बताते, बोले किसकी संग करनी चाहिए, बोले सताम, बोले सबका संग नहीं करनी चाहिए, बोले साधुओं का संग करनी चाहिए, बोले साधुओं का संग क्यों करें, कारण क्या, बोले कारण है, कहते ना एक थियोरिकल और एक प्रैक्टिकल होता है दो तरह से, कहते ग्रंथ पढ़ने से क्या नहीं हो जाएगा है, हमारे घर में तो ग्रंथ है, ग्रंथ पढ़ लो, फिर साधु को पास में क्यों जाते हैं, बोले कारण है जो प्रैक्टिकल है ना ये साधु संग से होता है, तो प्रैक्टिकल साधु संग से होता है, इसलिए नारद जी व्यास देव को जब बताए, बोले व्यास देव मैं अपना अनुभूति बात मेरे को बता रहा हूं, इतने जल्दी मुझे जो भगवान मिले हैं 5 साल उम्र में, बोले कैसे मैं 5 साल उम्र में ठाकुर जी मिले, बोले केवल एक ही कारण है, मैंने संतों का मैंने सेवा की और संतों का मैंने संग की और संतों का मैंने हरि कथा सुनी है, इसलिए जब संतों का संग करते हैं उसको प्रैक्टिकल रूप में, बोले संतों का क्या प्रैक्टिकल रूप है, बोले ख्यांति अभ्यर्थ कालत्वम विरक्ति मान शून्यता आशा बंध समुत्कंठा नाम गानि सदा इति। यहाँ पर रूप गोस्वामी कह रहे हैं जो साधु है ना वो प्रैक्टिकल रूप में ही साधु है, ये प्रैक्टिकल रूप में है, जब एक साधु के साथ में रहेंगे उनको क्रिया कलाप हाव भाव को देखेंगे, बोले उनके क्या लक्षण है, बोले शांति पहला गुण उनके अंदर में, जीवन में भले ही कितने विपत्ति आ जाए कभी भगवान के भजन को भी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते, लेकिन हम लोग क्या है, तब तक भजन करेंगे भक्ति करेंगे जब तक संसार में सब कुछ बढ़िया है, अगर थोड़ी सी कोई गड़बड़ी हो ना कोई चीज छोड़े नहीं छोड़े, पहले माला छोड़ने के लिए तैयार रहते, अब देखना कोई चीज छोड़े नहीं छोड़े, पहले अपना भजन छोड़ने के लिए तैयार, अपना खाना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पहले अपना माला को छोड़ने के लिए तैयार, सबसे पहले तैयारी बैठे हैं, लेकिन जब संतों का संग करेंगे, जैसे श्री युधिष्ठिर महाराज इतने विपत्ति आए उनके जीवन में, हमारे बात ही छोड़ दो, भगवान की नित्य परिकर है, उनको ऊपर में जितने विपत्ति आई हमारे ऊपर में कभी इतना विपत्ति आए, युधिष्ठिर महाराज का राज्य गया, भाई गया, बाद में भरी सभा में अपना पत्नी की विवस्त्र देखना पड़ा, फिर 12 साल तक जंगल में रहे और 1 साल तक अज्ञातवास में युधिष्ठिर महाराज कंक बन करके विराट राज्य में सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम रोसैया बना, सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन बृहन्नला रूप में, और श्री श्री उनका जो दो भाई वो घोड़ाशाला में रहे, कभी हमारा जीवन में पेश आया घर वाले छूट गया बीवी चली गई और हमको इस जंगल में भटकना पड़ा, लेकिन इतने अवस्था में भी हरिदास ठाकुर को 22 बजाने में पिटाई हो गई, 22 बजाने में पिटाई हो गई, लास्ट में कहते हैं ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, मेरे को थोड़ी सी दंड वगैरह छोड़ गए, इतने लास्ट में वो कहते हैं, इसलिए बोले शांति, शांति मतलब होता है जीवन में जितने विपत्ति आने पर भी हरिदास ठाकुर के ऊपर में जितने पिटाई हो रही थी वो जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 जोर से बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए कहते पहला गुण ये, दूसरा गुण क्या है, बोले अभ्यर्थ कालत्वम, मतलब है वो कभी भी अपना समय को बेकार इधर उधर बात में कभी अपना जीवन को नहीं गमाते, बैठ करके गप्पे मार करके उसको बेटा ने ऐसे की, उसकी बहू ने ऐसे की, उसको घर में ये हो रहा था, उसको ये हो रहा था, बैठ करके बेकार की जो फजूल की जो बात है ना, उल्टा पुल्टा जो बात है, कभी हाँ अपना समय को भगवत कथा भगवत चिंतन भगवत भजन छोड़ करके कभी भी अपना समय को इधर उधर बर्बाद नहीं कर सकते हैं, इसलिए कहते अभ्यर्थ कालतम, बोले विरक्ति, विरक्ति मतलब
भक्ति में अनुराग है, प्रभु के भजन में तो अनुराग है, लेकिन भक्ति का जो इतर वस्तु है, भक्ति का जो प्रतिकूल वस्तु है, उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट उनकी नहीं है। इंटरेस्ट कहाँ पर जा साधु संग, हरि कथा कीर्तन भजन है, वो सब चीज में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है ऐसा नहीं हरि कथा हो रही है, हरि कथा छोड़कर कहीं पार्टी में चले घूमने के लिए चले। साधु संग हरि कथा हो रही है, हरि कथा का विवरण नहीं, कहीं पार्टी कहीं हाँ शादी विवाह पहले पहले तैयार बैठे, कैसे साड़ी पहन के, कैसे जूता, कैसे घड़ी और सब मैचिंग का है, एक महीना पहले से शादी में जाएंगे ना, पहले से कौन सा साड़ी पहन कर जाएंगे, कौन सा कपड़ा पहन, पहले उसका पूरा दिमाग में रखे बैठे। लेकिन साधु संग हरि कथा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिले, नहीं हो जो भक्ति करने वाले हजार चीज को छोड़ करके कोशिश करेंगे, हमेशा सत्संग हरि कथा जहाँ भजन होता है ना, उनको कोई चीज प्यारा लगता है, भक्तों को साथ में उनको साथ में बैठने के लिए अच्छे लगते हैं। दुनिया घर में क्या बात है, क्या दुनिया में क्या बात, इधर उधर के बिना बेकार की गप्पे मार करके समय बर्बाद करना और कुछ नहीं। इसलिए वृत्ति बोले मान शून्यता, हर समय सबको सभी को जीवर सम्मान दिव्य जानी कृष्ण अधिष्ठान, सब जीव को दया करते हैं, सब जीव गोबर में कृपा करते हैं, लेकिन स्वयं कभी इज्जत की भूखे नहीं रहते, सबको इज्जत देते हैं, हैं? आशा बंध, आशा बंध मतलब भगवान कब मिलेंगे, ठाकुर जी कब मिलेंगे, जरूर हमें ठाकुर मिलेंगे, उनके हृदय में ये दृढ़ विश्वास रहता है। समुद्र कंठा हर समय भगवत भजन में भगवत भक्ति में हर समय उत्कंठा बनी रहती है, कब हरि नाम करेंगे, कब भजन करेंगे, कब भक्ति करेंगे, उसमें बड़ी उनकी उत्कंठा रहती है। और नाम गाने सदा रुचि, भगवान की कीर्तन हरि कथा उनकी भजन में बड़ा रुचि, बड़ा अच्छा लगता है। आसक्ति तत् गुणाख्याने, कहीं अगर हरि कथा होता है भजन होता है, कब कथा सुनेंगे, कब कथा सुनेंगे, माना भगवान की कथा ही जिनका जीवन है, उनका जीवन ही भगवान की कथा जिनका जीवन है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान कहते हैं क्यों साधु संग करनी चाहिए, बोले साधु संग जो है ना वो प्रैक्टिकल है, जब उनको साथ में रहेंगे उठेंगे बैठेंगे, एक साधु का दर्शन करेंगे 24 घंटा कैसे भजन भक्ति में कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, अपने आप हम भी कथन जैसे संग वैसे रहेंगे। एक जुआरी को साथ में बैठोगे जुआ खेलने लग जाओगे, एक भंगड़ी गंजरी को साथ में बैठोगे भंगड़ी गंजरी बन जाओगे, अगर किसी भक्त को साथ में बैठोगे भक्त बन जाओगे। संग है ना, जैसे संग वैसे रह गए, इसलिए भगवान कहते सता, बोले माँ क्या करोगे, बोले मेरे भक्तों का संग करना माँ, हाँ इसलिए सता, बोले सता अगर ऐसे साधु को संग करो क्या होगा, बोले प्रसंगात, इसमें जो एक एक शब्द है ना बड़े महत्वपूर्ण संग है। संग मतलब क्या होता है, ऐसे नहीं साथ में गए बैठे खाए पिए और गए, नहीं बोले प्रसंग, प्रसंग मतलब क्या है, साधु का संग मतलब क्या, गुरु जी उदाहरण देते देखना, जिनका बाल है ना उसमें एक कीड़ा रहता है, जो जू जू बाल में एक कीड़ा होता है, कहते साधुओं का जटा होता है ना, जटा में भी जू रहता है, तो क्या कहता है उसका खून चूसता है, वो साधु का खून चूसता है, हैं हाँ वो सेकिंग ब्लड, वो खून चूसता है क्या, ऐसे ऐसे केवल संतों का संग मतलब उनका रक्त चूसना, बोले नहीं, संग मतलब होता है सम्यक रूप में अनुगमन, वो जैसे भजन करते हैं, जैसे भक्ति करते हैं, जैसे हरि नाम करते हैं, जैसे प्रभु का प्रति प्रेम है, वो चीज को अपना जीवन में उतारना, उसको संग कहते हैं। केवल रहने पर संग नहीं होता है, जब तक उनका आचरण को अपना जीवन में नहीं उतारेंगे, बोले प्रसंगात, बोले कैसे, बोले मम वीर संविदो, बोले माँ वो जो कथा है ना बड़ा बलवान कथा है माँ, उदाहरण दिया मम वीर संविदो, वो कथा में बड़ा ताकत होता है, वो कथा में बड़ा ताकत होता है, इसलिए मैं पहले उदाहरण दिया था ना, इसलिए श्री जीव गोस्वामी इसको उदाहरण देते हैं, जीव गोस्वामी उदाहरण देते हैं, जैसे कुछ वृक्ष होता है,
डायरेक्ट वो वृक्ष से बीज को लेकर के बो दो और नहीं होगा, वो पेड़ नहीं होगा है? जैसे पीपल पेड़ है, बरगद पेड़ है, डायरेक्ट वहां से बीज लो बो तो नहीं होगा। बोले कैसे होगा? बोले वो बीज को कोई चिड़िया खाए, फिर उसको पेट में वो बीज जाता है, उसको पेट में ऐसे कुछ रस है, वो ऐसे कुछ रस प्रदान करता है, जब वो चिड़िया उसको बीट करता है ना, पैखाना करता है, तब भी उसमें वृक्ष होगा, नहीं तो वृक्ष नहीं होगा। इसलिए आप कभी भी किसी पीपल पेड़ को नीचे, किसी बरगद पेड़ को नीचे कभी भी वो पेड़ नहीं देखोगे। कहाँ देखोगे? किस छत के ऊपर? हाँ, किस छत के ऊपर में देखोगे? आपका तो यहाँ पर बरगद पीपल पेड़ नहीं, आपका सूरीनाम में होगा। हाँ, सूरीनाम होगा। कभी देखो कि छत के ऊपर में, किसी पेड़ के ऊपर में, बोले वहां छत पेड़ में कहाँ गया बीज? कहते उसको कोई चिड़िया खाया, उसका पेट में गया, जब उसने बीट किया। अब देखना, एक वृक्ष होने के लिए तीन चीज की जरूरत है, एक पानी की जरूरत है, एक मिट्टी और हवा। ये तीन चीज वृक्ष के लिए जरूरत है, तभी वृक्ष होगा, नहीं तो पेड़ नहीं होगा। लेकिन आप आश्चर्य की बात देखना, किसी छत के ऊपर में, पत्थर के ऊपर में आप देखना, वहां पर पीपल का पेड़ और वहां पर आप देख बरगद का पेड़ है, पत्ता तोड़ दो देखना फेल हो जाता है वहां पर। और कभी कभी वो पेड़ इतने जोर जबरदस्ती होता है, वो छत को तोड़ देता है, छत को फाड़ देता है, पूरा दीवार को है। इसलिए इसको उदाहरण देते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। इसका मतलब है, हम साधु से ही कथा क्यों सुने? अभी प्रभु बता रहे थे ना, ग्रंथ को क्यों नहीं पढ़ ले, ये फिर साधु के पास में कथा सुनने के लिए क्यों जाए? भगवान स्वयं जीव गोस्वामी कहते हैं, जैसे वो चिड़िया को पेट में वो बीज जाने पर उसमें शक्ति आ गई, उसी तरह जैसे ये पत्थर के ऊपर में भी वो वृक्ष हो गया, तो उसी तरह हमारा जो हृदय ना पत्थर जैसे हो गया, हमारा हृदय जैसे पत्थर। इसलिए श्री हाँ कहते श्री नरोत्तम दास ठाकुर श्री और श्री ये कहते हैं, हाँ उसमें कहते हैं, एक भजन गाते हैं, बोले भज भज भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास करी। हाँ, वो भजन में गाते हैं, बोले पशु पाखी झुरे पासर बीदरे सुनी जार गुन गाता संसारे माजिया रही न पड़िया से पदे नाही ल आसा अपन कर्म भुंजाए समाना कहे लोचन दास। त्रिलोचन दास ठाकुर कहते हैं, बोले हे प्रभु मेरा हृदय तो पत्थर बन गया है, हृदय पत्थर हो गया है। बोले पत्थर हो गया मतलब क्या? बोले तेरे कथा सुनकर भी हृदय मेरे द्रवीभूत तो नहीं हो रहा है। अगर पत्थर होता ना पिघल जाता, महापुरुष कथा से कृष्ण कथा से पत्थर भी पिघल गया, लेकिन हमारे हृदय तो पत्थर हो गया। लेकिन ये हृदय पत्थर भी हृदय में भी अगर हम शुद्ध वैष्णव का हरि कथा सुने ना, जब किसी शुद्ध साधु से कथा सुनेंगे, पत्थर रूपी हृदय में भी वो कृष्ण भक्ति की संचार हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, मां मम वीर्य संविदौ, वो जो कथा है बड़े वीर्यवती बड़े बलवान कथा मां होती है। बल कथा सुनने से क्या होगा? उन्होंने उदाहरण दिया, हृत कर्ण रसायन, कथा को उन्होंने उदाहरण दिया है। रसायन नाम सुना है? रसायन, और रसायन एक मेडिसिन होता है, उसमें 10 तरह का मेडिसिन मिला कर ना, वो एक मेडिसिन जो रसायन पान करोगे शरीर का सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, शरीर में बड़ी ताकत देता है, हृष्ट पुष्ट शरीर बीमारी खत्म, शरीर में बड़ी ताकत देता है, उसको कहते रसायन, वो एक दवा है रसायन। इसलिए यहाँ पर बोले माँ वो जो कथा है ना, हृदय और कान ये दोनों को रस देने वाले हैं। हृदय और रस और कान को जो कथा सुनेगा ना, उसका हार्ट अटैक नहीं होगा, उसका हार्ट अटैक नहीं होगा, क्योंकि भगवान की कथा है ना, कहती है बड़ा बलवान है, हृदय को बड़ा मजबूत बनाएगा और कान को भी बड़ा मजबूत बनाएगा। इसलिए कहते हृदय और कान को माँ ये बड़े आनंद देने वाले कथा है, बड़ी रसयुक्त कथा है। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं, बोले तुंडे तांडव तुंडा बलि लब्धे कर्णा क्रणो कड़विनि घटयते
కర్ణా భూదేవ స్ప్రియ చేత ప్రాంగణ సంగిని రచయతే సర్వేంద్రియాణాం కృతి నో జాని జనిత కిం అద్భుత కృష్ణేతి వర్ణద్వయ. రూప గోస్వామి కే జో కృష్ణ రాధే ఇస్మే కితనే రస హై ఇస్మే కితనే రస కృష్ణ కథా మే కృష్ణ నామ మే కితనే రస హై. ఇసిలే రూప గోస్వామి కేతే హై ఇతనే సుందర కథా సున్నె కే లియే బ్రహ్మా జీ దో కామ్ దే దియే. కానీ గానం వచ్చా ఆనంద బోలే కర్ణ కరడో కడమిని కరడో కరడో కాన్ క్యూ లే దియా కథా సున్నె కే లియే ఏక జిహ్వా క్యూ దే దియా బోలే తుండే తాండవ నిమిత్త నుండే తుండా బలి లబ్ధే. కదే జబ్ కృష్ణ నామ జిహ్వా మే ఉదయ హోతా హై శంకర్ జిసే తాండవ నృత్య కర్తే పాగల హోకర్ కే జిహ్వా మే హీ ఐసే హీ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 బల హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. ఇసిలే హృతి కర్ణ రసాయన కథ అగర కథ సుణగ తో క్యా బల తాజు ఆసు ఆ ప బర్గ బత్మని. जब ये कथा सुनोगे ना आंसू में जल्दी जल्दी, जब शुद्ध भक्तों से कथा सुनोगे कथा बड़ा बलवान कथा है बड़ी जल्दी जल्दी क्या होगा बोले प वर्ग वर्तमानी. जो प वर्ग है बोले प वर्ग मतलब बोले प फ ब भ और म ये प वर्ग है. कचड़ तब खचड़ तब ये हिंदी भाषा में गजड़ तब ये प वर्ग है. बोले माँ जो प वर्ग है ना मैं सब खत्म हो जाएगी. प वर्ग में पहला किया बोले प मतलब परिश्रम. तुम्हारे जो परिश्रम है वो सारे परिश्रम खत्म हो जाएगी. तुम्हारी परिश्रम नहीं रहेगा. बोले परिश्रम नहीं रहेगा. हम संसार में इतना परिश्रम करते हैं. फ मतलब फेंड फेंड मतलब देखना कभी कभी काम इतने करते हैं इतने काम करते हैं ना. फेंड मतलब होता है झांक. कभी कभी मुंह से झांक निकल जाती है. झांक मतलब सुना फेंड फोग निकल जाती है. मुंह में इतने परिश्रम करते हैं इतने परिश्रम कर कोई संसार में करते हैं. लेकिन जब एक भक्त एक साधारण संसार एक व्यक्ति करता है भक्त भी परिश्रम करता है. लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं भक्त का परिश्रम और आम व्यक्ति का परिश्रम बराबर नहीं. देखो भक्त विनोद ठाकुर क्या कहते हैं बोले तुम्हारा सेवाए दुख है जत सेवत परम सुख सेवा सुख दुख परम संपदा नाशय विद्या दुख प्रभुए आत्मनिवेदन तू आपद करी हई नो परम सुखी दुख दूर गला चिंता नारहिला चौदिगे आनंद देखी प्रभुए आत्मा निवेदन तू आपद करी हैनो परम सुखी. देखो भक्तम ठाकुर क्या कहते हैं क्या देखो एक साधारण व्यक्ति को देखो वही सारा दिन काम करता है और एक भक्त को देखो वही सारा दिन काम करता है. दोनों देखने के लिए ना दोनों ही दिन भर काम करते हैं. एक भक्त भी परिश्रम करता और साधारण व्यक्ति. लेकिन प्रभुपाद कहते हैं प्रभुपाद ब्रह्मा कहते हैं बोले प्रभु कब तक ये संसार माया है बोले तब तक माया जीत तब जब तक तेरे शरण में नहीं आता है. तेरे शरण में आ जाने संसार माया नहीं. ये कृष्ण रे संसार ये भगवान की संसार. ये भक्त जो परिश्रम करता है दिन भर काम करता है पैसा कमाता भावना किया बोले पैसा क्यों कमा रहे बोले ठाकुर को सेवा. पैसा के बगैर लक्ष्मी के बगैर ठाकुर का सेवा कैसे होगा. ठाकुर जी का भोग कैसे लगेगा है. और उनका भक्तों का जो घर घर नहीं भक्तों का घर क्या है. यदि न गृह भजन देखी गृह ते गोलक भाई प्रसाद सेवा करते आए सकल प्रपंच जाए. इसलिए भक्तों का घर नहीं भक्तों का घर तो वृंदावन है. भक्तों का घर वृंदावन है. इसलिए उनका जो परिश्रम भक्तों का ना वो परिश्रम बर्बाद नहीं. देखो इस जगत में जब एक पति पत्नी के लिए
जो कोई काम करे पत्नी खुश हो जाती ना, उसके लिए कोई साड़ी ला दो, कोई गहना ला दो, बढ़िया चीज का, तो पत्नी खुश हो जाती कि नहीं? खुश हो जाती ना, जब कोई पति पत्नी के लिए कुछ करे नहीं, तब पत्नी पति के लिए पत्नी कुछ करे, खुश हो जाती कि नहीं? खुश हो जाती है। लेकिन एक भक्त जब तीन बार परिश्रम करके पैसा कमाता है और उसी पैसा से सब्जी चावल और फल फूल ला करके जब ठाकुर जी को सेवा में देते, ठाकुर का नहीं देख रहे, वो ठाकुर क्या देख नहीं रहे, ठाकुर सब कुछ देख रहे हैं, देखो दिन भर कितने परिश्रम मेरे लिए करता है। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते माँ जब तुम सत्संग करोगे ना, सत्संग से फिर तुम अपना लिए नहीं करोगे, जो कुछ करोगे भगवान के लिए करोगे, जब भगवान के लिए करोगे तब भगवान जो प्रसन्न होते हैं तुम सारे खुश ठाकुर देते हैं, सारे तुम्हारे परिश्रम साथ मिले, मतलब परिश्रम। इसलिए भक्तिमय ठाकुर कहते हैं तुम्हारे सेवाए दुख है जत, बोले प्रभु तेरे सेवा में जो दुख वो दुख नहीं, वो क्या, बोले परम सुख है, परम सुख का कारण। क्यों, भगवान देख रहे तुम्हारी परिश्रम, जो भगवान के लिए तुम परिश्रम करते हो ठाकुर तुम्हारी सारी परिश्रम को देख रहे हैं। इसलिए प फ बोले ब, बोले ब मतलब बोले व्यर्थता, यूजलेस। लेकिन जब हम दुनिया के लिए करें वो सब व्यर्थता, सब बेकार है, क्योंकि दुनिया तुम्हें कुछ देने वाले नहीं है। दुनिया में किसको तुम खुश नहीं कर सकते, किसको खुश कर सके, सारा जीवन बीवी की सेवा पति की सेवा करे, कभी कभी किसको खुश कर पाए? आप पूछो किसको, पति को पूछो, पत्नी को पूछो, बच्चे को खुश कर पाए? जिंदगी भर उनके लिए करो, अगर थोड़ी सी इधर उधर कुछ हो गया ना, झट बोलेगा तुम मेरे लिए क्या किया, वो देखेगा नहीं जिंदगी भर तुमने किया, वो झट बोलेगा तुम मेरे लिए क्या किया है, है? और फिर जिंदगी भर कभी कभी शादी करते हुए लास्ट में डाइवोर्स भी, डाइवोर्स भी हो जाता है, छोड़ देते हैं पति पत्नी को, पति पत्नी को छोड़ देते हैं और किसी को पकड़ लेते हैं, है? इसलिए ये दुनिया में किसी को खुश नहीं कर सकते हो। लेकिन कृष्ण कैसे है, बोले ऐसे नहीं, भगवान ऐसे नहीं, उनके लिए इतने करना तुम्हारे लिए इतना ही करने वाले हैं, इतने करने वाले। सुदामा दो मुठ चिड़वा दिया ठाकुर, राजमहल दे दिया, द्रौपदी क्या दी, द्रौपदी ठाकुर का अंगुल कट गया, थोड़ी बैंडेज कर दी कपड़े की ढेर ठाकुर लगा दिए। कृष्ण सोच रहे थे द्रौपदी मेरे लिए जो कपड़ा को फाड़ करके बैंडेज की है, ठाकुर जी देख रहे थे कब समय आए उसकी ऋणी को भी चुकाऊंगा। ठाकुर जी सोच रहे थे मेरे को थोड़ा कब समय मिले, उसने जो मेरे लिए की ना उसको मैं ऋणी कब में चुकाऊं, ठाकुर जी देख रहे थे। लेकिन समय मिल गया तो ठाकुर जी स्वयं वस्त्र रूप में ठाकुर जी प्रकट हो गए, हैं? इसलिए बोले ब मतलब होता है व्यर्थता, कहते भगवान के लिए करोगे तुम्हारी व्यर्थता नहीं, तुम्हारी परिश्रम सार्थक हो जाएगा। और भ भ मतलब भय है, कहते भक्तों का कोई भय नहीं रहता है, कोई डर भय नहीं रहता है, क्यों, वो जानते हैं हम तो सब ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, हमारे किस चीज के भय है, हमारे ठाकुर जी है, उनकी कोई डर भय नहीं रहता। प्रहलाद को देखो, उसको मारने के लिए क्या किया, उसने कुछ कोई विचलित तो हुआ है। अम्बरीश महाराज के ऊपर में दुर्वासा जी ने कृत्या को राक्षस को भेजा, अम्बरीश महाराज थोड़ी सी भी इधर उधर नहीं हुए, बस खड़े होकर ठाकुर को स्मरण कर रहे थे, राखे हरि तो मारे के, अगर हरि किसको रक्षा करता है कौन किसको बिगाड़ सकता है, बोले बाल ना बांका कर सके जो जगह भय हुई है, उसका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकते जो ठाकुर जी शरण में आए, क्योंकि भगवान उसको हर समय ठाकुर जी उसको रक्षा करते, इसलिए कोई भय नहीं। इसलिए भा बोले माँ, बोले माँ मतलब होता है मृत्यु, बोले भक्त मरते नहीं, बोले मरते नहीं, देखा सारा दुनिया मर गई सब, हमारे गुरु जी मर कर कहते थे, बोले नहीं मरना किसे कहते हैं, मरना किसे कहते हैं, देखो उनका नाम अमर हो रहे ना, अभी हम गुरु जी कथा सुन रहे हैं, परम गुरु जी कथा सुन रहे हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं उनकी, लेकिन तुम्हारे पिताजी कथा क्यों सुनते हो, अपना पिताजी संसार का कोई बात किसको सुनता है, हैं? कोई नहीं सुनते, लेकिन हमारे गुरु जी कथा सुनते हैं। इसलिए कहते वो मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं। तब उन्होंने एक अच्छा उदाहरण दिया, कहते जो दिखता है जो भक्त मरते हैं, बढ़िया उदाहरण दिया, बिल्ली देखे हो यहाँ पर होता है कि नहीं, आप देखे ना, बिल्ली जो बच्चा देता है ना, वो बच्चे देने पर बच्चे को मुंह में ऐसे पकड़ करके उसको यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से 10 बार करे, इधर वहां से 10 बार करे। और बिल्ली जब अपना बच्चे को मुंह में पकड़ता है ना,
जैसे माँ किसी बच्चे को जैसे गोद में ले, बच्चा कितना खुश होता है, मैया मेरे को गोद में ले रही, कितने खुश होता है। लेकिन उसी मुंह में तो बिल्ली को पकड़ता है अपना बच्चे को, लेकिन उसी मुंह में जो चूहे को पकड़ता है जब उसी मुंह में चूहे को, फिर तो उसको प्राण ले लेती है। उदाहरण देते हैं विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर, दिखता है भक्त भी मरते हैं अभक्त भी मरते हैं, लेकिन भक्तों को जो मरना है उनको कौन ले जाते हैं, ठाकुर ले जाते हैं, भगवान ले जाते। बिल्ली एक मुंह से चूहा भी पकड़ती है और बच्चे को भी पकड़ती है। उसी तरह जब मृत्यु हम जब देखते हैं संतों का, भक्तों का जो मृत्यु ऐसे नहीं, उनके लिए तो गोलोक वैकुंठ से रथ हंसता है, आनंद से प्रभु के पास में चले जाते। लेकिन साधारण व्यक्ति को जब डंडे मारते मारते, और भागवत में तृतीय स्कंद में वर्णन करते हैं, जो भगवान की भजन नहीं करते हैं, हाँ, जो भजन नहीं करते हैं, गर्म रेतियों को पर में घिसटते घिसटते ले जाते। सूरीनाम में कितने दिन के बाद में पवित्र होते हैं, कितने दिन के बाद में, जो जैसे ना कोई घर में कोई जब मर जाए उसको शुद्ध क्रिया होता है ना, कितने दिन के बाद में वो लोग अपना शुद्ध क्रिया करते हैं, 13 दिन लगता है। इसलिए इंडिया में भी 13 दिन है, बोले जानते हो क्यों 13 दिन में होता है। आप गरुड़ पुराण को पढ़ो, आपके देश में पता नहीं क्या करते हैं, कोई मरने के बाद गरुड़ पुराण सुनते हैं। गरुड़ पुराण में सब वर्णन किया गया, मरने के बाद उसको एक नदी पार होना पड़ता है, वो नदी का नाम है बैतरणी नदी, और वो नदी में केवल टाटी पेशाब खून और पी केवल यही होता है और कुछ नहीं होता। टाटी पेशाब खून, वो नदी को पार करने में उसको 13 दिन लग जाती है, उसको पार होने में 13 दिन लगता है, और पीठ के ऊपर कोड़े पड़ता है उसको, हाँ, पीठ के ऊपर चाबुक मारते मारते उसको पार करवाते हैं, बड़ा कष्ट है। इसलिए हमारे भारत में कभी कभी बोलते हैं गैया दान कर दो उसको नाम पर, गैया दान दे तो जल्दी जल्दी उसको गैया की पूछ पकड़ करके वो जल्दी जल्दी पार हो जाएगा, हाँ, भारत में कहते हैं गैया दान दे तो। इसलिए 13 दिन उसको लगता है उसको पार करने के लिए, बड़ी कष्ट है। फिर उसको बाद में 84 नरक में जैसे जैसे कर्म किया फिर उसको नरक भोगना पड़ता है, इसलिए 13 दिन लगता है। लेकिन किसके लिए, जो भजन नहीं करता है, जो हरिनाम नहीं करते, जिनके गला में कंठी तिलक माला भजन करते ना, उनके लिए सब नहीं है, उनको इस बेहतरीन नदी पार करना नहीं पड़ता है, वो तो सीधा अपना कर्म का अनुरूप ठाकुर उसको कहीं भक्त घर में जन्म देते हैं। हाँ, अगर बढ़िया भजन करेगा तो ठाकुर के पास में, अगर पूरा तुम्हारी सिद्धि प्राप्ति नहीं होगी, ठाकुर जिसको कहे अच्छे घर में अच्छे परिवार में उसको जन्म ले देते हैं, भक्त परिवार में जन्म होते ही भगवान के नाम कीर्तन भक्ति प्रसाद वास, माँ के पेट से उसका भजन शुरू हो जाता है, भक्त घर में माँ के पेट से भजन शुरू होता है। देखो जैसे मैया के पेट में बच्चा है, अभी बच्चा प्रसाद पाता है, उसी खाना को तो बच्चे ग्रहण में खाता है ना, तो बच्चा किसका खाना खाना क्या खा रहा है, ठाकुर प्रसाद। मैया जैसे तुलसी परिक्रमा करती है, हाँ, तुलसी परिक्रमा करती है, पेट में बच्चा वो क्या कर रहे हैं, तुलसी परिक्रमा उसको भी हो गया। मैया जैसे प्रणाम करती है ठाकुर जी को, उसको पेट में बच्चा है, जब मैया प्रणाम की बच्चा का क्या हो गया, ठाकुर जी को प्रणाम हो गया, हाँ। इसलिए मैया हरिनाम करती है बैठ कर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे माँ बैठ करके हरिनाम करते, बच्चे तो गर्भ में ना, वो भी बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, वो भी भजन कर रहा है। इसलिए एक भक्ति, हाँ, भक्ति करने वाले माँ के पेट में आना है ना, बड़े भाग्य की बात है, बड़े भाग्य की बात, वो पेट से ही भजन करना शुरू करता है, और जन्म होते ही राधे राधे हरे कृष्ण नाम सुनता है, भजन करता है। इसलिए भगवान उसको फिर भक्त घर में जन्म देते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं माँ आप वर्ग वर्तमनी, तुम्हारी सारी दुख कष्ट माँ खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा, बोले श्रद्धा रति और भक्ति अनुक्रम से। पहले जब साधु संग करोगे, जैसे हमारे विजय प्रभु जी कथा जैसे सेमिनार देता है, क्लास कर देता है, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की कथा सुन करके जब भक्तों को कथा से कथा सुनते हैं, पहले क्या होता है, भगवान का प्रति श्रद्धा उत्पन्न होता है, पहले उसको प्रति श्रद्धा होता है, फिर वो इस सप्ताह बढ़ते 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 बढ़े सदगुरु आश्रय करता है, सदगुरु आश्रय करते करते आधो श्रद्धा, फिर साधु संग,
फिर भजन करना शुरू करेगा, फिर हृदय से अनर्थ दूर होगा, फिर भगवान के प्रति रुचि होगी, फिर भक्ति में निष्ठा हो जाएगी, फिर हृदय में प्रभु का प्रति भावना आएगी, फिर हृदय में प्रेम प्रकट होगा। इसलिए भगवान कहते हैं, माँ अगर तू मेरे भक्तों का संग करोगे तो धीरे 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 भगवान का प्रति श्रद्धा रति और भक्ति और एक दिन भगवत प्राप्ति हो जाए। इसलिए माँ केवल एक उपाय और कोई उपाय नहीं माँ मेरे को पाने का, केवल तुम भक्तों का संग करो। इसलिए कबीर कहते हैं, भले संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरो बड़ा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी, ताजा से सोए हंस बनावे, ताजा से सोए हंस बनावे, होए तेरो बड़ा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी। केवल संतों का साथ नहीं भक्तों के साथ में ही हमारा जीवन परिवर्तन होता है, ठीक है ना। इसलिए क्या करनी चाहिए, संतों के साथ में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और कलयुग में भक्ति कैसे करेंगे, बोले कलयुग को केवल नाम आधारा और सुमरी सुमरी नरा उतरे पर, कलयुग में और कोई धर्म नहीं कोई कर्म नहीं, केवल भगवान का नाम से ही कल्याण होगा। इसलिए कितना टाइम हो गया, हो गया था 5 मिनट। हरे कृष्ण, देखो एक बढ़िया श्लोक है मंत्र कृष्ण, ये एकादश स्कंध में जब नेमी महाराज जब श्री नव जोगेंद्र को जो प्रश्न करते हैं आत्मा को शांति कैसे मिले, हम जो कुछ करते हैं शांति के लिए सुख के लिए करते हैं, जो कुछ करते हैं पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी शादी बच्चे जो कुछ करते हैं केवल शांति के लिए, ये सुख के लिए तो कर रहे हैं ना, और तो कोई काम नहीं है केवल सुख के लिए। इसलिए इनका प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिलेगा, जीवन में हम कैसे सुख में रह सकते हैं, लेकिन सब तो करते हैं सुख के लिए, लेकिन देखना सब उल्टा होता है, बच्चे देते हैं सुख के लिए बाद में बच्चा बात नहीं सुनता है। इसलिए अब देखना संसार में जो कुछ काम करो ना सब उल्टा उल्टा होता है, जो कुछ काम करो जो सुख के लिए सब देखना सब उल्टा होता है, और सुख नहीं होकर दुख ही दुख मिलता है। ये जगत में जिसको जितना ज्यादा प्रेम करोगे देखना वही से ज्यादा दुख मिलेगा, जगत में जिस को आप जितना ज्यादा प्रेम करोगे देखना वहीं से ज्यादा तुम्हें वहीं से ज्यादा दुख मिलेगा, वहीं से ही दुख मिलेगा तुम्हें ज्यादा, क्योंकि संसार दुखालय अशाश्वतम, संसार अनित्य है। इसलिए इन्होंने जब क्या शांति कैसे मिलेगी तो उसका उत्तर में श्री नव जोगेंद्र देते हैं, उसका उत्तर देते हैं कहते अगर पहले शांति पाना चाहते हो बोले अशांति का कारण क्या, बोले अशांति का एक ही कारण है तुम भगवान भूल गए, यही केवल अशांति का मूल कारण है। कृष्ण बोले सही जीव अनादि वैभव, केवल भगवान को तुमने भूल गए। फिर क्या करनी चाहिए, बोले सद्गुरु का चरण आश्रय ग्रहण करो, आश्रय करते हुए जो कुछ हम करते हैं काय मन और वाक्य से करते हैं, इसलिए मरते समय 3 जमदूत हमें लेने के लिए आते हैं, जो कुछ करते हैं काय मन वाक्य से करते हैं। इसलिए जो कुछ तुम करते हो अभी तुम दुनिया के लिए नहीं करके भगवान के लिए करो, सारे काम भगवान के लिए करो। भक्ति कोई कठिन चीज नहीं है, कोई बोलेगा अरे भक्ति तो बहुत कठिन, नहीं कठिन नहीं, भगवान नहीं करते तो सब छोड़ दो, जो कुछ कर रहे हो करो हैं, लेकिन भगवान के लिए। बड़े सुंदर खाना ठाकुर के लिए बनाओ, घर ठाकुर के लिए बनाओ, पैसा ठाकुर के लिए बनाओ, अपना भक्तों का जो टाटी पैसा वो भी भक्ति है, क्योंकि शरीर अपवित्र रहेगा तो ठाकुर का सेवा कैसे करेंगे, कुछ छोड़ने का जरूरत नहीं, सब भगवान में जोड़ दो, सारी चीज ठाकुर में जोड़ दो, बस भक्ति हो जाएगी। इसलिए उसको बाद में क्या करेंगे, बोले भगवान की कथा सुनो, भगवान के नाम करो। लेकिन तब तब एक ये श्लोक को बता रहे हैं, ये श्लोक बड़े महत्वपूर्ण श्लोक है, बोले एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कृत्वा जातानुराग द्रुतचित्तौ। इसमें कह रहे हैं जीवन में एक व्रत ले लो, बोले किस चीज के व्रत लो, बोले अपना जो प्रिय नाम है
कहते हमारा अपना प्रिय कौन सा नाम है, ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, ये हमारा प्रिय नाम है। कहते ये भगवान अपना प्रिय नाम को लो, लेकिन एक दिक्कत है। दिक्कत क्या जानते हो, ये तो हमारा प्रिय नाम है, यही नाम में रुचि, लेकिन भगवान के नाम में हमारी रुचि नहीं हो रही, दूसरे चीज में हमारी रुचि हो रही, लेकिन प्रभु का नाम में रुचि नहीं। फिर क्या करनी चाहिए, देखो जैसे मिश्री मीठा है, मिश्री खाए हो सबके सब, कौन कौन मिश्री खाए, सब खाए हो मिश्री, कड़वा ना मीठा है, मीठा है, लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं लेकिन ये मिश्री किसी किसी को कड़वा भी लगता है, बोले किसको लगेगा, बोले जिसको जंडिस का बीमारी हो जाए, जिसको पीलिया की जंडिस का बीमारी हो जाए ना, उसको भगवान का मिश्री मीठा नहीं, उसको कड़वा लगता है, लेकिन डॉक्टर क्या कहता है, बोले देख भैया मिश्री तो मीठा है लेकिन तेरे को मीठा नहीं तो कड़वा लगेगा। उसी तरह भगवान का नाम तो मीठा है, इससे मीठा और कुछ है ही नहीं, जगह तो मीठा तो ठाकुर का नाम, लेकिन तेरे को भी मीठा नहीं लगेगा, अभी तुम्हें कड़वा लगेगा। फिर क्या करनी चाहिए, बोले कड़वा लगने पर भी मिश्री को मुंह में रखो, रखकर उसको चूसते रहो, चूसते 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 धीरे धीरे तुम्हारी जो बीमारी कड़वापन जब खत्म हो जाएगी, फिर मिश्री इतने मीठा इतने मिश्री मीठा लगेगा, फिर मिश्री को तुम छोड़ नहीं सकते। कहते भगवान का नाम मीठा, इससे मीठा कुछ नहीं, इसलिए भगवान का नाम लेते रहो, लेते 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 सारे अनर्थ जब दूर हो जाएगा, अविद्या पाप जब दूर हो जाएगा, फिर ठाकुर का नाम बड़ा मीठा लगने लग जाएगा। इसलिए सुप्रिय ना जाता अनुराग, धीरे धीरे भगवान का नाम का प्रतिमर अनुराग आएगा, अनुराग आएगा तो क्या होगा, भगवान का नाम इसका फल क्या, द्रुत चीत उच्च, भय तो तुम्हारा हृदय द्रवीभूत होने लग जाएगा, भगवान का नाम लेते लेते आंखों से आंसू आने बैठने लग जाएगा, हृदय तुम्हारे प्रेम में गदगद हो जाएगी। हाँ भगवान नाम लेकर पुलकित तो होगा, कभी नाचोगे कभी गाओगे, हाँ भगवान का नाम लेकर के, फिर उसमें क्या हो, क्यों नाचेगा क्यों गाएगा, हंसत क्या था, कभी कभी हंसने लग जाएगा, बोले हंसेगा क्यों, जैसे टीवी में सीरियल देखते हैं ना, टीवी में सीरियल देखते हो, ऐसे ही तुम्हारी हृदय में कृष्ण लीला की सीरियल तुम्हारी हृदय में देखने लग जाएगी, बड़े सुंदर सुंदर कृष्ण लीला देख लिया तुम, कभी सुना तो ठहर सुंदर कथा सुनाते, बोले एक समय कन्हैया किसी गोपी के घर में मक्खन चोरी करने गए, जब मक्खन चोरी करने गए वो गोपी क्या की थी, वो पहले से ना छुप कर बैठी थी, मक्खन का मटकी रख करके पहले आज कन्हैया को पकड़ कर बांध कर अंदर थे, जब कृष्ण आकर के मक्खन खा लिया ना, इतने में गोपी आकर कन्हैया को झट पकड़ लिया, बोले कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, तेरे को बांध करके रखूंगी, बोले गोपी आज छोड़ते कल से नहीं है, बोले नहीं तेरे को छोड़ने वाला नहीं, हाँ तेरे को बांधूंगी, बोले जो खंभे है ना ये खंभे के ऊपर हाथ रख, और उन्हें अपना सर से जो रिबन होता है ना जो फीता को निकाले, कृष्ण को हाथ में जो बांधने के लिए जाए, कृष्ण का हाथ तो बड़ा कोमल है, बड़ा कोमल कृष्ण का, जब बांधने के लिए जाए बंधने में खिसक जाए, कृष्ण ने कहा गोपी तुमने कभी जिंदगी में बंधी गई है कि नहीं, कभी जिंदगी में तुमने कभी बंधी गई थी, बोले नहीं, बोले कन्हैया क्या तेरे को बांधना आता है, बोला और क्या, बोले थोड़ी सिखा दे, बोले रख खंभे का, अभी तेरे को सिखाता हूं, कृष्ण ने क्या किया, उसको एक बार लपटे, दो बार लपटे, एक गांठ दो गांठ अच्छे तरह से गुण गांठ लगा दिए, बोले कन्हैया तेरे को तो बड़े सुंदर बांधना आता है, इतने बच्चे होकर कैसे बांधने सीख गया, बोले अरे तेरे को किया, मैं तो बड़े बड़े जोगी बड़े बड़े ज्ञानी को भी अपना प्रेम से उनको भी बांध देता हूँ, बोले कन्हैया खोल दे, बोले गोपी मैंने तो कभी अभी तक तो खोलना सिखाई नहीं, मैं तो सबको अभी तक तो सबको अपना प्रेम में बांधना ही सीखा, मैं तो अब तक किसी को खोलना सिखाई नहीं, बस कृष्ण अंगूठा दिखा न दुर्गे ज्ञान। जब वो हृदय में प्रभु को ये लीला देखता है ना, बस देख करके हा 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 करते करते हंसने लग जाते हैं। एक दिन और एक दिन एक गोपी बोले ये कन्हैया को तो ये किसी तरह से पकड़ में नहीं आता, इसको पकड़ के तो पिता माता को लेकर दिखाऊ, उसको मैया को मैं दिखाऊंगी, मैया मानती नहीं कृष्ण मक्खन चोरी करता है, और गोपी पकड़ लिया, पकड़ कर बोले चल मैया को पास, तेरी मैया मानती नहीं, बोले मेरे भैया को पास में मत ले जा, आज छोड़ दे, कल से तेरे घर में कभी नहीं आऊंगा, बोले नहीं मैया मानती नहीं, मेरे लाला
किसी किसी घर में मक्खन चोरी करता है, आज तो मैया तुम्हें रंगे हाथों से दिखवा, चल अभी कृष्ण को पकड़ कर लिया लाए तो देखा नंद बाबा घर को सामने बैठे हुए। पहले जो होते ना वो नंद बाबा लगते थे जेठ, अपना पति का बड़े भाई। अब पता होगा पहले पति के बड़े भाई को सामने कोई नहीं जाते थे, नहीं जाते उसको जेठ मानते, उसको सामने कोई नहीं जाते थे। जब उन्होंने देखा नंद बाबा बैठे हुए बोले यार स्त्रियों का बात, इतने में नंद बाबा को देख करके ना कृष्ण को सर पर कपड़ा ढक दिया, ढकते ही कृष्ण तो बदल गए, वो तो भगवान है, वो झट उसका बेचा बेटा बन गए। और उन्हें दूसरे रास्ता से पीछे गली से लेकर के पीछे दरवाजा से लाए, मैया जसोदा को बुलाए, बोले मैया जसोदे तू मानती नहीं तेरे लाला मेरे घर में मक्खन चोरी करता, रंगे हाथों से पकड़ करके लाए। लेकिन उसी समय मैया जसोदा कृष्ण को पल्लव गोबर में ना थपथप लगा करके सुला रही थी, हाँ कृष्ण को सुला रही थी। मैया बोले किसको पकड़ करके लाए, मेरे लाला तो घर में सो रहा है। इतने में मैया बाहर आई निकल करके, देखा अपना बेटे को पकड़ कर लाए, बोले क्या बात है, बोले तू मानती नहीं तेरे बेटे को पकड़ करके लाए, बोले क्या पागल हो गई, मेरा बेटा अंदर में सो रहा है, वो तो इतना घूंघट निकाल कर रखी थी। जब वो बच्चे को ऊपर से कपड़ा खोले ना, वो देखा अपना बेटा, वो अपना बेटा कृष्ण अंदर में सो रहे थे। इतने में कृष्ण अपना आंखों को मसलते मसलते कृष्ण फिर उधर से आए। जब उधर से आए कृष्ण ने कहा मैया तुमने देख लिया ये गोपी किसने झूठ बोल दी, मैं घर छोड़कर कभी बाहर जाता ही नहीं, अरे मेरे नाम पर उल्टा पुल्टा ये बोलती रहती है। इतने में मैया तो को तो बड़ा क्रोध आया, बोले तेरे को शर्म नहीं लगता, अपना बेटे को पकड़ कर लाई बल्कि मेरे बेटे को पकड़ कर लाई, बोली ये तो दरवाजा तक ये था कपड़े में ढकते ही बदल गया कैसे। इतने में वो बड़ा शर्मिंदा हो गया, शर्मा गई। जब वापस जा रहे थे ना कृष्ण दूसरे रास्ता से घूम कर जा गई, बोले क्यों गोपी मैंने कितने तेरे पाप पड़ा, तेरे को नया छोड़ ले कभी नहीं आऊंगा, देखा आज तेरे बेटे को मैंने चोर बना दिया, भविष्य में और पकड़ करके लाओगे ना तेरे पति को चोर बना। कृष्ण गोपी कृष्ण बोले हाँ, और गोपी कहती है कन्हैया मैं हार गई तू जीत गया है। इसलिए विश्वनाथ चक्रधर कहते हैं जब हम हरिनाम करेंगे ना, जब भगवान की नाम करेंगे, जब हृदय का सारे अनर्थ दूर हो जाएगा, हृदय में भगवान की टीवी में जैसे सीरियल देखते हैं ना ऐसे कृष्ण लीला दिखती। इसलिए हंसत त्यात, कभी कभी हंसता है कभी कभी रोता, बोल रोता है क्यों? तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कृष्ण दर्शन में इतने आनंद कृष्ण दर्शन में, पृथ्वी में कहीं भी इतना आनंद नहीं, पृथ्वी का सारे आनंद को एकत्रित कर दो, कृष्ण दर्शन में इतने आनंद है एक समुद्र जैसे, कहते समुद्र का एक बूंद के साथ में विश्व ब्रह्मांड का आनंद को भी एकत्रित नहीं कर सकते, इतने आनंद कृष्ण दर्शन में। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कोटि ब्रह्मानंद नय तार एक बिंदु, कृष्ण प्रेमानंद जी आनंद सिंधु, कृष्ण प्रेमानंद में इतने आनंद करोड़ों ब्रह्मानंद मिलकर के भी बराबर नहीं कर सकते, इतने आनंद कृष्ण दर्शन में। कृष्ण दर्शन करके तो आनंद हो गया, लेकिन कृष्ण जब कभी हृदय से अंतर ध्यान हो जाते चले जाते, जब चले जाते हैं इतने दुख होता है रोने लग जाता है कृष्ण विरह में, प्रभु आप कहाँ चले गए, आप प्रभु कहाँ चले गए, रोदत कभी रोने लग जाते हैं। लेकिन जब ज्यादा रोने लग जाते हैं कृष्ण विरह में प्राण त्याग करेंगे, बोले नृत्यति कभी कभी नाचने लग जाते, बोले क्यों नाचता है, उदाहरण दिया जैसे आपको बैंक में 100 करोड़ की रुपया की हीरो था, 100 करोड़ रुपया की हीरो, आपको पता चला हमारे सारे हीरो बैंक खत्म हो गए, हमारी सारे बैंक फेल हो गया, क्या करो, रोगे ना, रोगे दुखी हो जाएगा, हमारे सारे गया। अगर फिर पता चले गया नहीं हमें मिल जाएगा, हाँ हमारे गया नहीं मिल जाएगा, फिर क्या करोगे, हाथ उठा उठा कर नाचने लग जाओगे। उसी तरह कृष्ण जब देखते हैं कि मेरे विरह में प्राण त्याग देतेगा, फिर कृष्ण फिर दर्शन देते, जब कृष्ण दर्शन देते हैं फिर तो हाथ उठा उठा करके फिर नाचना शुरू कर देता, अरे मेरे को कृष्ण मिल गए, बोले नृत्यति। उसी समय उसका कोई लोक लाज नहीं रहता है, बस हाथ उठा करके हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, 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 अपना बड़ा माला निकाल लो। देखो जैसे कितना लोग यहाँ पर, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह पच्चीस तीस आदमी जब जब यहाँ बैठकर हरिनाम करेंगे ना, एक माला करोगे ना, तीस लोगों का जो नाम हमारी कान में पड़ेगा तुमको तीस गुण ज्यादा फल मिलेगा। माला करोगे तो एक, लेकिन सभी का हरिनाम कान में पड़ेगा ना, इसमें तीस गुण ज्यादा फल मिलेगा। इसलिए एक साथ माला करने का बड़ा महत्व है। इसलिए सब आंख बंद बैठ करके, सब बैठ करके माला करो। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। माला है सबके पास में? किसके पास में माला नहीं है? माला कौन नहीं लाए? माला नहीं लाए, इधर आओ। ये माला जप करके वापस दे देना, ये इधर आ जाओ। तुम भी नहीं लाए? खरा दुनिया भूल जानी चाहिए, लेकिन माला माला खत्म हो गया। माला किसके लिए? तुम्हारे घर में होगा ना, इधर मेरी माला खत्म हो गई। बैठ कर जब कर सब बैठ जाओ, एक माला करो, आंख बंद करके समझो वृंदावन में। हाँ हाँ, सोचो हम वृंदावन में ठाकुर जी के चरण में बैठे हुए और हरिनाम कर रहे हैं गुरु जी के चरण में। ठीक है, बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Nam Sankirtan Ki Jai. Hare Krishna. Mala Baba. Hare Krishna. Aaj jo baat mein nahi hai na, le lo.
तुम्हारे पास में नहीं तो जिसके पास में एकदम नहीं है वो माला को रख लो। किसके पास है माला? में माला है आरती करेंगे ना? हाँ छोटा करो, जल्दी फटाफट करो। जल्दी आ जाओ शशि, जल्दी जल्दी करना है। ले लिया हरे कृष्ण शिवाय जय गोरा चंद्र आरती को शोभा जय जय गोरा चंद्र आरती को शोभा जगमय Oh,
Thank you.